हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 3 मार्च और शुरू करते हैं फिल्म्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई थी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर एक याचिका ये दायर की गई थी कि इसे एक इंडिपेंडेंट कमेटी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाए, ना कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग किसी को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया जाए। क्योंकि अभी जिस तरीके से सरकार जो इलेक्ट करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को, वो अनडेमोक्रेटिक तरीका है। मतलब अपनी पसंद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर देती है। अभी हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई थी लास्ट ईयर, जब अरुण गोयल जो फॉर्मर IAS ऑफिसर थे वो जब रिटायर भी नहीं हुए थे, उन्हें VRS दिला दिया गया और कुछ ही दिन में उनकी जो नियुक्ति है वो इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर कर दी गई और फरवरी 2025 में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि सरकार अपनी पसंद के व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहती है ताकि उन्हें किसी प्रकार का एक एडवांटेज मिल सके। हालांकि ये एलिगेशन है, कितने सही है कितने गलत है ये हमें नहीं पता, बट इसे को देखते हुए कई सारे जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी थी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच जिसे KM Joseph लीड कर रहे थे, उन्होंने ये यूनानिमसली डिसीजन दिया कि अब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होगी वो कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर होगी। और ये जो कमेटी होगी, इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये अपने रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को देंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। यहाँ पर एक पैच ये भी है कि अगर मान लो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा नहीं है, क्योंकि इसमें 10% का रूल लगता है, मतलब कि कोई पार्टी अगर 10% सीट जो लोकसभा सीट है उसको सिक्योर कर लेती है तब जाके उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस दिया जाता है। बट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 10% के क्राइटेरिया को मीट नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि कोई भी जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन की जो पार्टी होगी उसके लीडर को इस कमेटी में शामिल किया जाएगा ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में एक इंडिपेंडेंस रहे, एक फ्री एंड फेयर प्रोसेस रहे, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहे, ताकि जो पूरा इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो उसके जो इंडिपेंडेंस है वो हम सिक्योर रख सकें। तो अगर हम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के ऑफिस को देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक का प्रोविजन दे रखे हैं, वो हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ CEC और सच मेंबर्स ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम फिक्स। मतलब ओरिजिनली सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था बट 1989 में अमेंडमेंट करके इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और 2 इलेक्शन कमिश्नर थे। मतलब इनकी जो संख्या है अदर इलेक्शन कमिश्नर की, ये प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इन्हें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग जो CEC होंगे, मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट करना मतलब सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट करना, क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी तरफ से किसी को भी अपॉइंट नहीं करते। जो कैबिनेट होती है वो रिकमेंडेशन देती है, उसके बाद प्रेसिडेंट किसी को नियुक्ति देते हैं। तो इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है कि सरकार अपने मनपसंद के व्यक्ति को ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट देती है। हालांकि इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होगा वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी बाय लॉ, बट पार्लियामेंट ने अभी तक कोई लॉ बनाया नहीं। यही बेसिस बना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आपके पास में पावर थी लॉ बनाने की तो आपने इतने साल तक क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पर एक टाइप का वैक्यूम था जिसे अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देकर फिल करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था कि हम जुडिशियल ओवरब्रिज नहीं चाहते थे, बट हम वेट कर रहे थे कि कोई आए और ये लॉ बनाए और इसकी जो प्रोसेस है पूरी वो फेयर रखे, इंडिपेंडेंस, ताकि इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिस के जो इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन रह सके। और जो इलेक्शन कमिश्नर के जो टेन्योर होते हैं वो 6 साल तक का होता है या फिर 65 ईयर तक की उनकी लिमिट होती है। यहाँ पर जो टेन्योर होता है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर सिक्योर होता है। मतलब उनको तभी हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इसी जज को हटाया जाता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा से जो रेजोल्यूशन पास होगा उसमें 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, तब जाके आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज उसी प्रकार से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हो। बट यहाँ पर जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनको सेम सिक्योरिटी प्रोवाइडेड नहीं है। मतलब उनको अगर हटाना होगा तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो सिंपल एक रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अगर एग्री करते हैं उस रिकमेंडेशन से तो वो अदर इलेक्शन कमिश्नर को उस पोस्ट से हटा देंगे। हालांकि जो अपोजिशन से जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर है उन सब डिमांड करते हैं कि इसको भी बदला जाए कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको भी उन्हें भी सेम टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है। फंक्शन क्या हमारे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का? जो हमारा इलेक्टोरल रोल होता है वो प्रिपेयर करता है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव इलेक्शन कमीशन का फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, किस किस के? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराती है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के मैटर को ये हैंडल करती है। ये स्टेट पार्टी और जो नेशनल पार्टीज है उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का ये इशू पे डिस्कस करती है और किसी भी केसेस में अगर गवर्नमेंट कोई ओपिनियन चाहिए, प्रेसिडेंट कोई ओपिनियन चाहिए तो ये ओपिनियन प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिक फंक्शन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है
जिसने बहुत बड़ा मेजर चेंजेस लाया हमारे इलेक्शन प्रोसेस में। तो इस पर यूपीएससी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकती है, या तो प्रीलिम्स से पूछेगी या मेंस से पूछेगी। तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब चलते हैं आगे। हमारी पहली न्यूज डीएनए वैक्सीन को लेकर है। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि हमारे देश में पहली फर्स्ट डीएनए वैक्सीन बनाई गई है डेंगू के लिए, और इसके जो रिजल्ट आए हैं वो काफी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें डेंगू के बारे में पहले पता होना चाहिए कि एक टाइप का मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिजीज है जो कि डेंगू वायरस के द्वारा कॉज होता है। डेंगू वायरस मतलब जीनस फ्लेवी वायरस, और ये फैलता किससे? ये मच्छरों के द्वारा फैलता है जो एडिस जीनस के होते हैं, मतलब एडिस एजिप्टिस जीनस के जो होते हैं वो इस डेंगू को ट्रांसमिट करते हैं अदर पर्सन में। तो अगर हम डीएनए वैक्सीन को देखें तो ये क्या करता है कि जो डीएनए सीक्वेंस होता है जिसके अंदर पर्टिकुलर जो एंटीजन होता है उसके बेसिस पर ये कोड किया जाता है, ताकि जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें ये जब इंजेक्ट होते हैं तो पर्टिकुलर टाइप का ये एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर पैथोजन को, उस पर्टिकुलर वायरस को, बैक्टीरिया को ये काउंटर कर सकें। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डीएनए वैक्सीन का। डीएनए वैक्सीन एक थर्ड जनरेशन की वैक्सीन है। फर्स्ट टाइम जो डीएनए वैक्सीन आई थी वो जाइकोव डी है, जिसे जाइडस कैडिला ने बनाया था COVID-19 के लिए। अब डीएनए वैक्सीन डेंगू के लिए बनाना टफ क्यों था? क्योंकि जो डेंगू होता है वो दरअसल मोस्टली चार वायरस से होता है, डेंग 1, डेंग 2, डेंग 3, डेंग 4, इसे सीरोटाइप्स बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अगर आप डीएन1 के पैथोजन को लेकर एंटीजन कोड करते हो तो ये सिर्फ डेंग 1 से जो डेंगू हुआ है सिर्फ उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, पर डेंग 2, डेंग 3, डेंग 4 के लिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। इस वजह से जो डेंगू के लिए जो वैक्सीन बनाना है वो काफी चैलेंजिंग होता है। बट अभी जो डीएनए वैक्सीन बनी है उसने अपने रिजल्ट पॉजिटिव दिखाए हैं। तो यूपीएससी आपसे इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं डीएनए वैक्सीन को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल को लेकर है। अब ये ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल क्या है? दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये काउंसिल बनाई है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये काउंसिल काम करेगी। अभी बेसिकली ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल क्या है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को देखना होगा, जो कि हमारे देश का फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान NPP। अब ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इसलिए फाइनलाइज किया गया था क्योंकि जो बुंदेलखंड रीजन है जो MP और UP दोनों में पड़ता है, वहां पर काफी ड्राई एरिया देखा जाता है, मतलब बारिश बहुत कम होती है, तो उनके लिए वाटर स्कैसिटी हमेशा साल भर रहती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लाया गया था। अगर आप केन नदी को देखोगे तो यहाँ पर आपको वाटर की अधिकता ज्यादा मिलेगी, मतलब इसकी इस रिवर पानी ज्यादा होता है, बट बेतवा नदी में पानी थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ से केन की नदी से इस बेतवा नदी को पानी ट्रांसफर करना था इस लिंक के जरिए, ताकि बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या है उसे दूर किया जा सके। बट इसमें हो क्या रहा था, इस एरिया में पन्ना टाइगर रिजर्व भी आता है और पन्ना नेशनल पार्क भी आता है, तो इस लिंक के कारण जो पूरा पन्ना टाइगर रिजर्व है उसे डिस्टर्ब होने की संभावना थी। तो इसी को देखते हुए इसी प्रोजेक्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान ILMP प्रिपेयर किया, ताकि हम इस प्रोजेक्ट के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ है उन्हें भी कंजर्व कर सकें और बायोडायवर्सिटी भी कंजर्व कर सकें। और ये अक्रॉस द लिंक में होगा, सिर्फ पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया में नहीं होगा। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये द ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल बनाई गई। तो मतलब ये GLPC है तो ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के पार्ट का हिस्सा है, जिसमें WII ने, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान बनाया था। तो इसी प्लान के अंदर ये GLPC काम करेगा, मतलब इसी प्लान को ये जो GLPC है वो इम्प्लीमेंट करेगा। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो हैबिटेट है उसे प्रोटेक्ट करना, और जो स्पीशीज हैं जैसे टाइगर, वल्चर, घड़ियाल, उनके प्रोटेक्शन को ये ध्यान में रखेगा, और ये ओवरऑल जो लैंडस्केप है उसको कंसोलिडेट करेगा, ताकि जो बायोडायवर्सिटी है उसको प्रमोट किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से, और जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं उनके भी इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा। इसमें स्पेसिस स्पेसिफिक और साइट स्पेसिफिक मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजी भी अलग से बनाई जाएंगी। तो ये पूरी न्यूज हो गई ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज C20 क्रायोजेनिक इंजन को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसने C20 क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट जो है कंडक्ट किया था, जो कि सक्सेसफुल हुआ था। और ये जो C20 क्रायोजेनिक इंजन है ये हमारे चंद्रयान 3 मिशन का क्रायोजेनिक अपर स्टेज होगा, मतलब जो चंद्रयान 3 के लिए जो रॉकेट यूज किया जाएगा, जो लॉन्च व्हीकल यूज किया जाएगा, उसका जो अपर स्टेज होगा वो क्रायोजेनिक इंजन होगा, जिसके टेस्ट को फिलहाल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है। तो C20 क्रायोजेनिक इंजन क्या है? तो ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है जिसे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC, जो कि इसरो की सब्सिडरी है, उसने इस रॉकेट को डेवलप किया है। ये LVM लॉन्च व्हीकल के अपर स्टेज पर काम करेगा, और ये भारत का पहला ऐसा क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें गैस जनरेटर साइकिल होगी। अब क्रायोजेनिक इंजन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उसके जो प्रोपेलेंट्स होते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं, वो काफी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में रखने होते हैं, तो इस वजह से क्रायोजेनिक इंजन बनाना बहुत मुश्किल होता था। शुरुआत में जो अमेरिका है उसने हमें रॉकेट इंजन देने से मना कर दिया था, और जब रशिया दे रहा था तो रशिया को भी देने से मना कर दिया था। उसके बाद में हमने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया। क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, जिसे -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज किया जाता है,
उसके बाद लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है जो कि -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक भले ही कॉम्प्लेक्स होता है बट ये ज्यादा इफिशियंट और ज्यादा बेटर थ्रस्ट प्रोवाइड करता है फॉर ईच किलोग्राम ऑफ फ्यूल कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट स्टेजेस के अगर कंपेयर करें तो। अभी तक केवल 6 कंट्रीज के पास में ही क्रायोजेनिक इंजन है, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, जापान, इंडिया। तो यूपीएससी डायरेक्टली आपसे C20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पूछ सकती है या फिर सिंपली क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज 5 मेंबर बॉडी। तो अभी हमने देखा ये 3 मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओरिजिनली ये सिर्फ 1 मेंबर बॉडी थी बट बाद में 1989 में इसे 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो हमारा शेड्यूल होता है इलेक्शन का शेड्यूल लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, वो डिसाइड करती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है, इलेक्शन कमीशन रिजोल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र का जो केस चल रहा था जिसमें शिवसेना पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई थी, शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे ग्रुप, तो बाद में इलेक्शन कमीशन ने जो पूरी शिवसेना पार्टी का सिंबल था वो किसको प्रोवाइड कर दिया गया, शिंदे ग्रुप को दे दिया गया। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के स्प्लिट्स और मर्जर्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डील करती है उसको। तो यहाँ पर आंसर क्या है इसका, D3 ओनली। इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।